हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्टडी. दिस इज़ प्रिया वर्मा. आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे. ये क्विक रिवीजन होगा जिसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी पास में आ गए हैं. मैं चाहूँगी कि आप एक क्विक रिवीजन कर लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. और ये पार्ट वन है, इसका जल्दी से मैं पार्ट टू भी लेकर आऊँगी. आइए देखते हैं पार्ट वन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर. ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट, वास्को डी गामा भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 को पहुंचा था. 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया. इसने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था. नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक स्थापक अल्फोंसो द अल्बुकर्क था. इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी. इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीता था. पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण भी इसके समय 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था. भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी. नेक्स्ट पॉइंट, डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई. पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था. अंग्रेज़ों ने भारत में अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था. फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में फ्रेंको कैरो के नेतृत्व में सूरत में स्थापित किया था. नेक्स्ट पॉइंट, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था. इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ले गया और उसका नाम मुर्शीदाबाद रखा. इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की. ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के नाम के समय हुई थी. तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजाति के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था. नेक्स्ट पॉइंट, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज़ों के की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी. अगस्त 1749 में अंबर के युद्ध में मोहम्मद जंग चांद साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलुलर के समीप अंबर नामक स्थान पर अनवारुद्दीन को हराया था. शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था. नेक्स्ट पॉइंट, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था. इस युद्ध में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था. महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में शुकर रचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था. महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी. उन्होंने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था. नेक्स्ट पॉइंट, 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था. प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767-1769 में हुआ. इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर वेरेलिस्ट था. यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ. द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780-1784 ईस्वी तक चला. इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था. यह युद्ध मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ. नेक्स्ट पॉइंट, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध 1790-1792 ईस्वी तक चला. इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस था. यह युद्ध 1792 ईस्वी की
श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुकरी से सहायता प्राप्त करने की का प्रयत्न किया था। चौथा आंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। क्लाइव के समय में सैनिक तथा असैनिक दोनों सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। रिंग फेस से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट, बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों की के माध्यम हुई थी। लॉर्ड विलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट, सहायक संधि स्वीकार करने वाले कौन थे? अब हम सहायक संधि के स्वीकार करने वाले लोगों उनके बारे में बताएंगे। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशावा, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत 1848 में सतारा, 1849 में जयपुर तथा संभलपुर, 1850 में भागाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी तथा 1854 में नागपुर का विलय कर लिया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुशासन के बहाने किया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर थे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रेतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। उसके बाद यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग में लागू की। नेक्स्ट पॉइंट, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग के ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड एलन ब्रो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्हें दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। 1857 के संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोहियों की कंपनी मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर की संधियों ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। नेक्स्ट पॉइंट, असम में 1857 की क्रांति के नेता मनीराम दत्त थे। अवध में 1857 की क्रांति के नेता मौलवी अहमदुल्ला थे। वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। इस विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण थी। चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सर विलियम जॉन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1813 के
चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम में की। नेक्स्ट पॉइंट, 19 जुलाई 1854 को वुड डिस्पैच जारी किया गया था। इसमें भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेगा कार्ट भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव में सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर जोर दिया गया। साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। वुड डिस्पैच के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश इसमें भी की गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W.W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इसके बाद अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। लॉर्ड वेलेजली सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया था। 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम न्यूज़पेपर या समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का बंगाल गजट था। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स। ये पार्ट वन था, इसका पार्ट टू हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई होप मैंने आपकी सारे क्वेश्चंस क्लियर किए होंगे। आप ये काफ़ी एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंगली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पैराग्राफ फॉर्म में हैं लेकिन आप अपने आप इसमें क्वेश्चंस देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे पैराग्राफ्स में आपको जो भी हेडलाइंस हैं, जो भी मैंने रेड लाइन से मार्क किए, रेड कलर से मार्क किया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।